आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं। आपने कहावतों में सुना होगा, होता है जो नौकरियां रहती हैं उनका बच्चे पीछा करते हैं, नौकरियों के पीछे बच्चों को भागना पड़ता है। लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके साथ क्या हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है। मतलब कि नौकरियां इनके पीछे हैं, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको, ये हमारे एकलव्य परिवार का ही हिस्सा है नीरज साहू सर जी, इनका आप लोग सभी सम्मानित तरीके से स्वागत कीजिए। ये जब से यहां पर झांसी में क्लास की शुरुआत हुई थी तब से लेकर के और ज्वाइनिंग के पहले दिन तक ये हमारे यहां क्लास का हिस्सा रहे हैं, और इन्होंने एक अच्छे तरीके से बच्चों के साथ एक टीचिंग का समय बिताया है, और उसके बाद इनकी शुरुआत होती है अपनी खुद की लाइफ में, जिसमें इन्होंने कोचिंग को छोड़ने के बाद सरकारी सेवा में अपनी सेवा शुरू की, और सबसे पहले इन्होंने अपने रेलवे के लिए क्या किया, ज्वाइन करने के लिए वहां पर अपना एक मतलब भविष्य चुना। तो सबसे पहले जब सर ने यहां से पहले से लास्ट टाइम पे क्लास ली थी वो शायद सर समय फरवरी ही था, है ना, फरवरी का ही समय था। और उसके बाद जब सर का ज्वाइनिंग लेटर आया और यहां से जाने के बाद सर ने रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद पर ज्वाइनिंग ली, और वर्तमान समय में आज सर के पास एक प्रेजेंट टाइम में करंट में जॉब चल रही है, और पोस्टिंग हुई थी सर की स्टार्टिंग में कानपुर NCR जोन से, और अभी सर कहां पर हैं आप, अभी इटावा में है। अभी आगे की कहानी सुनोगे तो और हंसोगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ चल क्या रहा था, सर ने उसके साथ साथ कई और भी एग्जाम्स दिए हैं, आपके SSC से हो गए आपके CHSL, उसके बाद आपका SSC CGL, और बात करते हैं उसके बाद स्टेट लेवल में, तो स्टेट लेवल में आपके जो UP लोअर PCS, तो जिनमें कुछ के रिजल्ट तो आ चुके हैं। अभी वर्तमान में आप लोगों में कई ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिन्होंने SSC CGL और SSC CHSL के एग्जाम भी दे रखे होंगे, ठीक है। तो फाइनली SSC CGL का रिजल्ट डिक्लियर हो चुका है, और उसमें हमारे नीरज सर को GST ऑफिसर की यहाँ पर रैंक में पोस्टिंग प्रोवाइड हुई है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सेंट्रल लेवल पे अगर कोई एक सेंट्रल लेवल पे एक पदवी पा लेता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। सकते हैं कि एक शुरुआत जहां से की थी और जहां आज खड़े हैं, किस जगह पर पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की होगी। और उसके साथ साथ हम आपको और भी बता दें, जैसे हम बात कर रहे थे SSC, तो इसमें CHSL क्वालिफाइड है सर, और इसमें आपका क्या सर टाइपिंग का छोड़ दी थी सर, बताओ। तो यहां से शुरुआत हो जाती है कुछ नौकरियां इग्नोर करने की बात। अब देखिए उसके बाद हुआ SSC CPO, CPO SI था, CPO SI। फाइनली जो भी प्रोसेस होती है सारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है, और ये भी आपकी ज्वाइनिंग क्या है अपकमिंग में पड़ी हुई है कि जब तक भी आ जाए, क्योंकि समय लगता है मेडिकल होने के बाद क्या होती है, लास्ट जो आपकी जो स्टेज होता है वो क्या होता है ज्वाइनिंग का ही रहता है, ठीक है। उसके बाद सर ने अपने यूपी में स्टेट लेवल से कई सारी वैकेंसी निकली है, जिसमें छोटे एग्जाम तो नहीं दिए हैं क्या, और दिए हो तो पता नहीं है, लेकिन जो एग्जाम्स क्रैक किए हैं हम उनको आपके सामने बता रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यूपी लोअर पीसीएस नहीं दिया है, अरे तो लोअर PCS प्रेजेंट में सर क्वालिफाइड है, और लोअर मेंस के चक्कर में पिछले एक हफ्ते से सर रेलवे को छोड़ करके आ गए हैं वापस,
अब आप समझिए कि होता क्या है, हम एक नौकरी के पीछे कितना भागते हैं। और सर क्या है कि कुछ जो एसएससी लेवल की नौकरियां हैं वो तो मेडिकल हो गया है, सब कुछ समय लगेगा। सीजीएल है आपकी, सीएचएसएल है, तो सीएचएसएल तो इग्नोर कर दी। उसके बाद आपके सीजीएल है, ज्वाइनिंग आ जाएगी उसकी, एसएससी सीपीओ में दिल्ली एसआई, उसकी भी ज्वाइनिंग आ ही जाएगी। तो बस रेलवे का मन नहीं था इसलिए क्या कराए, उसको छोड़ करके और सर वापस पुणे आ गए। और किसके लिए? लोअर पीसीएस, लोअर पीसीएस में मेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए कुछ बातें हम सर से उनके अनुभव के साथ पूछते हैं कि किस तरीके से उनने शुरुआत की थी और किस तरीके से उनकी तैयारी हो पाई है। तो सर हम चाहेंगे कि कुछ बच्चों को आप गाइडेंस करें। चलिए एक बार और इनका जोरदार स्वागत कीजिए। से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझे कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर से झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, फिर से झुकने का शौक नहीं, खुद अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तक मैं सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस तरह से आपको हमेशा मोटिवेट करती है। दिन भर आप मतलब आपने पढ़ा, आपको मन नहीं लग रहा है, ठीक है यूट्यूब खोला आपने, कोई चीज करंट में चल रहा है, करंट टॉपिक चल रहा है, आपने वो देख लिया। जरूरी नहीं है आप एक ही चीज, मतलब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं भी पढ़ते रहूँ। सबसे बढ़िया वैरायटी क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपके पास सारे सब्जेक्ट है। आपने मैथ पढ़ने के लिए उसने कहा आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक, या तो ये 100 प्याज खा लो या ये 100 कोड़े खा लो। तो कोई भी आदमी उसने क्या सोचा होगा बताओ, क्या ऑप्शन चूज करेगा? नहीं यार, प्याज ठीक है, कोड़े खाएगा। तो उसने प्याज खाना स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 बस कोड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 प्याज, फिर 1, 2, 10, 5, 15 और उसके बाद फिर कोड़े आने। तो ऐसे कर करके वो 100 प्याज भी खा गया, 100 कोड़े भी खा गया और उसकी सजा भी पूरी। तो यही होता है जो नाव पे सवार होने का। आप एकदम, आपको पता है जब सिकंदर चलता था पहले तो पता है कि बॉर्डर जो होते थे कैसे होते, नदी से डिसाइड होते थे, ठीक है। तो क्या होता था जब वो नदी पार करके जाता था, ठीक है, तो वो क्या करता था, सबसे पहले उन बोट को जला देता था कि अब तुम्हारे पास वापस जाने का रास्ता ही नहीं है सैनिक, अब या तो यहाँ मर जाओ या लड़के जीत जाओ, तो यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आप एक फील्ड में आओ तो आप दूसरा रास्ता बंद ही कर दो। मेरा जब मोटिव था, मैं पढ़ाता था, जैसे कि मुझे बहुत सारे टीचर्स मिलते थे, टीचर्स एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ था, तो टीचर्स एक ही बात कहते थे, नीरज टीचिंग में कुछ नहीं, ठीक है, टीचिंग में इंटरेस्ट है, पढ़ाओ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो वहां ज्वाइन करो, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि हमने ज्वाइन नहीं करा। आज हम लोग इस बात को रिग्रेट करते हैं। अब जैसे लॉकडाउन है, मेरे ज्वाइनिंग आपको बताऊं कितनी अच्छी किस्मत रही मेरी, मैंने 18 मार्च को ज्वाइन किया था, ठीक है, तो पूरे 6 महीने घर पर रहा, बढ़िया तैयारी करी, पढ़ता रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने घर पर रहा, सरकारी नौकरी के लिए सिक्योरिटी है। उसके बाद 2-4 महीने गया, फिर घर आ गया, फिर गया, घर आ गया, ऐसे चलता रहा। अब मैं जब फरवरी में कर रहा था, जनवरी में मेरा एसएससी का फाइनल डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे मेन चीज है, तो उसी के लिए मैं वेट कर रहा था। मेरी ज्वाइनिंग भी तक हो जाती अगर ये कोरोना नहीं आया होगा, ठीक है। तो 28 जनवरी को मेरा डीवी हुआ और मैंने बस कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये नहीं करना है, अब लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए करना है, तैयारी करूँ। मेरा 2 PCS क्लियर है, उसके मेंस के लिए प्रिपरेशन कर लेता हूँ, अपर PCS का एग्जाम आया उसकी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, और RO का भी आने वाला है। तो अभी मतलब मेन कोई एक एग्जाम फोकस नहीं है। अब मेरा टारगेट क्या है, जैसे GS में मेरे 10-12 मार्क्स ही आए थे यहाँ पर, लेकिन रेलवे में हमेशा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब मेरा टारगेट यह है कि मैं GS को बहुत ब्रॉड लेवल पर कवर करूँ, क्योंकि मेरा भी मन था कोचिंग पढ़ो लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए पढ़ नहीं पाता, और अब ज्यादा नहीं हो, लेकिन यूट्यूब से मैं टोटली उसको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो आपको तो एक कोचिंग में सब कुछ मिल रहा है, कोचिंग जरूरी नहीं है किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए, मैं बिल्कुल नहीं मानता कोचिंग जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिशन को या कोई भी चीज क्रैक करने के लिए, लेकिन कोचिंग में आपका टाइम बहुत कम हो जाता है,
आप खुद से एक्सपीरियंस लोगे, आपको पता नहीं है ये आएगा कि नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। वही आप पर कुछ लोग जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस है वो आपको